The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों एक बहुत खूंखार और बहुत जोरदार खबर आ रही है कि आप अगर दारू पिएंगे या आप गर्म पानी से कुल्ला करते जाएंगे या आप बहुत ज्यादा गर्म हवा मुंह में डालेंगे तो कोरोना वायरस मर जाएगा इवन अगर आपके मुंह में आया हो। सबसे पहले और अव्वल क्यों ये बात पैदा हुई ये पता चलता है ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ या अनपढ़ लोगों के दिमाग से जो नहीं समझ पाते कि एक वायरस काम कैसे करता है और उसको मारने का तरीका क्या है। देखिए गलत खबर फैला देना बहुत आसान है लेकिन सच्चाई को समझना आपके हमारे लिए बहुत जरूरी है वरना क्या होगा सिर्फ डर फैलेगा और कुछ नहीं। और डर से घबरा के लोग ना तो खुद की केयर करेंगे और ज्यादा बीमार होंगे और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो क्या करना है सो समझिए। पहली बात तो यह कि वायरस बाहर जब तक है वो वायरस वहां पे कुछ नहीं करता, बाहर है तो वो इनएक्टिव है। उसको क्या करना है उसको सिर्फ आपके सेल्स के अंदर जाना है तो वो कोशिश करता है ऐसी जगह ढूंढना जहां पे उसका रिसेप्टर मैच हो जाए। बाहर वायरस के ऊपर एक कैप्सूल होता है उसके ऊपर एस प्रोटीन्स होते हैं, ई प्रोटीन्स होते हैं, एम एन प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन जाके आपके एस टू नाम के रिसेप्टर्स पे अटैच होते हैं। ये रिसेप्टर्स आपके लंग्स में ज्यादा है इसीलिए जाके आपके लंग्स में अटैच होके लंग्स के अंदर चले जाते हैं। यही रिसेप्टर अगर आपके फेरिंग्स में भी उसको मिल गया, आपके मुंह गले में मिल गया तो वो गले में अटैच होके अंदर घुस जाएगा, वो रुकेगा नहीं कि वहीं रुकूंगा मैं 2 दिन 3 दिन और फिर उसके बाद अंदर घुसूंगा, कतई भी नहीं। तो जब वायरस वहां रुका ही नहीं, एक बार वायरस अंदर चला गया उसने मल्टीप्लाई होते जाना, एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे। उसके ऊपर दारू पीने से वो दारू अंदर नहीं चले जाएगी ना ही उसको मारेगी। स्किन के ऊपर अगर वायरस यहाँ लगा है तो उसके ऊपर दारू उसके ऊपर उसका जो एनवलप है उसको फोड़ सकती है कि वो, और वहां पर कोई रिसेप्टर नहीं है इसलिए वायरस वहां से अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता जब तक आप इसे मुंह के अंदर ना डाले, जब तक इसे गले के साथ नाक के अंदर ना डाले। टेक्निकली तो नाक ज्यादा डेंजरस है, सूंघ लेना ज्यादा डेंजरस है, मुंह उतना नहीं, बट मुंह भी डेंजरस है, मुंह के अंदर से भी जा सकता है। मुंह हो, गला हो, नाक हो या इसमें रिसेप्टर्स के अंदर, सेल के अंदर चला जाएगा। तो फिर पेट में दारू डालने का क्या मतलब है, गर्म पानी डालने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई लॉजिक है। ये बेवकूफाना तरकीब है जो लोग आपको देते हैं कि मेरे पास भाई साहब एक और टिकटॉक पे वीडियोस आते हैं, प्याज कटे हुए प्याज के ऊपर नमक डाल के ये खा लो तुमको कभी नहीं होगा, नींबू खाते जाओ रोज खाते जाओ तुमको कभी नहीं होगा, होगा भी तो ठीक हो जाएगा। भाई साहब अगर आप अनएजुकेटेड हो तो भाई साहब आपका तो भगवान ही मालिक है। अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो तो फिर अपना दिमाग लगाइए और ऐसे किसी भी वीडियो पे आग बंद करके, ऑडियो हो, वीडियो हो, फोटो हो, इवन अगर डॉक्टर का मास्क पहन के लोग आ रहे हैं बता रहे हैं तो कृपया ना सुने। लोग अपना वीडियो वायरल करने के लिए, फेमस होने के लिए बैठे बैठे उल्टे सीधे दिमाग लगा रहे हैं। आप कृपया ऐसे ना समझें कि हर चीज जो आप सुनते हैं वो सच है। तो किसी भी प्रकार का दारू, किसी भी प्रकार का गर्म पानी, चाय, कॉफी या कुछ भी पीने से वायरस खत्म नहीं हो जाता अगर आपके अंदर है तो। कुछ प्रकार की चाय में स्टिमुलेंट्स होते हैं, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हर चाय में थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको थोड़ा सा क्या करेगी, थोड़े से आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगी, थोड़ा सा। दैट डज नॉट मीन कि आपके आज तक के कर्म जो है वो धुल जाएंगे, दैट डज नॉट मीन कि आपने आज तक जो कुकर्म किए हैं, लंग्स की जो ऐसी जैसी करी है वो छोटे से ग्रीन टी से ठीक हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है अगर आप आज तक हेल्दी हो तो सेफ हो, आज तक आप हेल्दी लाइफ जिए हो, आज तक क्या पिछले 1-2 साल में भी हेल्दी लाइफ जिए हो तो सेफ हो, या पिछले महीने में भी हेल्दी लाइफ जिए हो तो सेफ होते जा रहे हो। आज से हेल्दी लाइफ जियोगे तो सेफ होते जाओगे। कह नहीं सकते कि ये कब खत्म होगा तो ऐसी बातों पर भरोसा मत करो। दारू पीने से या मुंह में गरारे करने से, गर्म पानी पीने से, ब्लो ड्रायर मारने से आपको सिर्फ नुकसान होगा, गला जलेगा, गला सूखेगा और आसानी से कोरोना वायरस अंदर जाएगा, और आसानी से कोरोना वायरस अंदर जाएगा। तो ऐसी बातों को ना देखें, कृपया अपने तरफ से ऐसे लोगों को 2-3 बार समझाएं कि आप ऐसे फॉरवर्ड्स ना करें वरना गलतफहमी ही गलतफहमी आप तक पहुंचेगी और कुछ नहीं होगा। So do your job to please correct these people who share these काइंड ऑफ नॉनसेंस मैसेज। और ये बड़े बड़े लोगों से भी आपको आ सकती है मैसेजेस। जी हाँ, आज के डेट में सब घबराए हुए हैं, किसी को कोई पता नहीं, इसीलिए रिलैक्स एंड थिंक अबाउट इट।